तो वहीं आगरा में एचएमए ग्रुप पर आईटी की रेड हुई, जहां पर 100 घंटे बाद हुई खत्म ये रेड। रेड में हुए चौंकाने वाले खुलासे, अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट हुआ सरेंडर। ग्रुप ने 100 करोड़ की अघोषित आय को सरेंडर किया है। प्रॉपर्टी के कागजात समेत कई सबूत साथ ले गई टीम। जांच के बाद और कसेगा एचएमए ग्रुप पर शिकंजा। बड़ा मीट कारोबारी है जुल्फिकार अहमद भुट्टो, पूर्व विधायक जुल्फिकार के ग्रुप पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब तक सबसे बड़ा अमाउंट सरेंडर किया गया है एचएमए ग्रुप द्वारा। 100 करोड़ की अघोषित आय का सरेंडर किया है यहां पर एचएमए ग्रुप ने। ये बड़ा मीट कारोबारी है जुल्फिकार अहमद भुट्टो और उसके ठिकाने पर ये बड़ी छापेमारी, बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आई है, जिसके बाद एचएमए ग्रुप ने 100 करोड़ की अघोषित आय संपत्ति को सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आईटी के रेड में बड़ी छापेमारी और बड़ी जब्त यहां बरामद की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तमाम दस्तावेजों को सीज कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई में आईटी जुटी हुई है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एचएमए ग्रुप पर आईटी की बड़ी रेड निकलकर सामने आई है, जहां पर 100 करोड़ की अघोषित आय संपत्ति को सरेंडर किया गया है। तो इस खबर पर कपिल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस आईटी रेड में? कपिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, क्या कुछ आईटी की इस रेड में निकलकर सामने आया है कपिल? पुलकित, मैं आपको बताऊं कि ये जो आईटी की रेड है आगरा की, अब तक की सबसे बड़ी रेड है, जो लगभग 100 घंटे से ज्यादा चली है, जिसमें फर्म के द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपए जो है वो सरेंडर किए गए हैं। आईटी की टीम के हाथ जो है वो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काफी कागजात हाथ में लगे हैं। साथ में जो उनके कर्मचारी है, जो बोकस कंपनियों के सहारे जो है ट्रांजेक्शन किया जा रहा था, उससे जुड़े हुए भी कुछ कागजात हासिल हुए हैं, जिसकी जो है वो जांच चल रही है, जिसमें उम्मीद बताई जा रही है कि एक बड़ा अमाउंट और खुलने की उम्मीद है। बहरहाल अभी फिलहाल मामला जो है जांच में चल रहा है, जांच में क्या कुछ और निकल के आता है वो तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये जो मीट कारोबारी है, ये पूर्व बसपा विधायक है जुल्फिकार अहमद भुट्टो, जो हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की सबसे बड़े मतलब मीट कारोबारी है, जिनके आगे छापेमार कार्रवाई की गई है। कपिल, इसके अलावा क्या कोई ज्वेलरी भी बरामद की गई है? देखिए, ज्वेलरी का अभी जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहा जा रहा है कि उनके यहाँ से कुछ सामान जो है वो जब्त किया गया है, लेकिन वो सामान किस तरह का है, कितना नगद है, ये अभी कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि कुछ सामान जरूर जब्त किया गया है। तो हो सकता है कि जब आईटी की टीम जब इस बात का पूरा खुलासा करेगी तो क्या कुछ उनके निकल के आया, ये सबके सामने आ पाएगा। जी कपिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।